हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएम फार्मेसी। तो आज हम आपको सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताएंगे, मीरोपेनम। ये एक सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, मीरोपेनम जो है। आज हम आपको इसके यूज, साइड इफेक्ट और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं सब बताएंगे, और इसका इस्तेमाल कहाँ डॉक्टर सबसे ज्यादा कराते हैं, और इसका इस्तेमाल IM होता है या IV होता है, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे उसको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शो होने लगे। मीरोपेनम इज एन एंटीबायोटिक साल्ट। मीरोपेनम भी एक एंटीबायोटिक साल्ट है। मीरोपेनम का जो इंजेक्शन होता है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। वो एक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के काम में आता है। ये हमारे शरीर में से जो बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसकी कॉस्ट मैक्सिमम 200 से 250, 125 mg में है खाली। ये इतनी, ये बहुत कॉस्टली इंजेक्शन है और ये आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसका ये यूज होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है इसका स्किन प्रॉब्लम में होता है, यूरिन में होता है, एब्डोमिनल मतलब पेट के नहीं होता है, स्टमक एरिया मतलब जो पेट का हमारा जो है आंखों का इंटेस्टाइनल एरिया होता है उसके नहीं इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और दिमागी बुखार के नहीं होता है इसका, मेनिंजाइटिस। इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, इजिटेशन हो जाना, टेरी स्टूल मतलब ब्लैक 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 पोटी होती है, जैसे बच्चे को ब्लैक पोटी होने लगती है, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। जैसे किसी के आपने लगाया तो उसे पोटी ब्लैक होगी, वोमिटिंग, खांसी होना, स्किन रस, इंजेक्शन साइट स्वेलिंग। और तो चलिए अब हम आपको मीरोपेनम इंजेक्शन के डोज के बारे में बताएंगे। इसकी डोज कितनी होती है? डोज 40 mg पर केजी एवरी 8 आवर्स, मतलब 40 mg पर केजी दिन में हर 8 घंटे के अंतर अंतर से खा सकते हैं इसे। और एक बार इसकी डोज जो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें आप, अपने ये जो बिना डॉक्टर की रेख देख में इंजेक्शन कर लें। हैवी इंजेक्शन है ये, पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये। इस चक्कर में जो इसका इंजेक्शन लगाएं तो डॉक्टर की रेख देख में ही करें इसका ट्रीटमेंट जो करें। इसका इस्तेमाल जो होता है सिर्फ नस में होता है, ये IM नहीं लगता, IV लगता है, इंट्रावेनस सिर्फ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।